पैर 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 चिपकाके एकदम सटाके घोड़े के पेट में सटाके, हाँ ऐसा लगे कि घोड़े के ही पैर हो। शाबाश शाबाश। देख बेटे, घोड़े के चाल में एक छंद है, लय है, बस उसमें घुल जाओ, उसके मुताबिक हाँ, फिर घोड़ा तुम्हारी मुट्ठी में। घोड़ा और घोड़ा, हर वक्त घोड़ा। जानवर से जब इतनी मोहब्बत, इंसान से क्यों नहीं करते हो? जतरा, तुझे पंखा नहीं खींचना पड़ेगा, तू लिखेगा पढ़ेगा विद्वान होगा, तुझे बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। जा चल बेटे, उतर जा, अब मैं सवार होता हूं, चल संभाल के। ए देख, क्या इसे चिपक के बैठने का, एकदम चिपक के, गिरना नहीं। गिरोगे तो कोई फिक्र नहीं, अगर सीखना है तो गिरना है। या ऐसे किया इस तरफ, या ऐसे किया, चला ताश खेलने। बाबूजी ने गांव में जाकर क्या कहा? भाइयों और बहनों, शायद आपको मालूम नहीं कि ये बच्चा हमारा ही है, मतलब अपने ही गांव का। इसके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है, यह एक बार सुनकर सब याद रख सकता है, मगर हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं जहाँ ये पढ़ सके, अस्पताल नहीं जहाँ इसका इलाज हो सके। ठीक है ठीक है, बाद में क्या कहा? आपको सुनकर खुशी होगी कि इसके लिए हमने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम चुनाव लड़ते हैं, आप अपना वोट देकर हमारी मदद करें। क्या बात है मास्टर जी? नहीं, कोई खास बात नहीं है। अच्छा रमेश, तुम्हें रॉबिन हुड की कहानी याद है? भला मैं उसे कैसे भूलूंगा। तू तेरा याद रखना, रॉबिन हुड कोई डकैत नहीं थे, वो जो कुछ लूटते थे गरीबों में बांट देते थे, खुद के लिए एक कौड़ी भी नहीं रखते थे, समझे ना? मगर अचानक ये बात, सोचो रॉबिन हुड के बारे में, ठीक से सोचो। आज हमें एक नया रॉबिन हुड चाहिए।
बाबूजी जब वोट मांगने आए तभी तो मौका था छेदी दादा, तब तुमने उनसे खुलकर कहा क्यों नहीं कि मुनीम जी देते तो है 500 रुपया और लिखवा लेते हैं 500। मुझे हिम्मत नहीं हुई कल्ला, बाबूजी के सामने बात करने में डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है, तुम लोग बाबूजी से बात क्यों नहीं कर लेते, वो तो अच्छे आदमी है, उन्होंने तो मेरी पढ़ाई का सब बंदोबस्त किया। रवि नू के दो दोस्त थे, उनमें एक चार्ज के पुरोहित थे और दूसरे थे एक कवि और गायक, इनका नाम था एलन ए डेल। क्या बोला? एलन ए डेल, सुनाई नहीं देता क्या उल्लू कहीं का? हाँ, जरा सोचो, अगर रॉबिन हुड कोई खराब काम करते तो क्या ये लोग, ये कवि, ये चर्च के पुजारी उनका साथ देता? रॉबिन हुड आजादी की मशाल थे। आओ आओ छेदिया, आओ कल्ला, का बात बा, सब ठीक ठाक बा ना? का बताई मालिक, मुंह खुले में डर लगता है। डर कौन है बात का, बोलना। हम लोगों ने जो पैसा मालिक से उधार लिया है वो 85 रुपया हुई ना मालिक? हाँ हाँ 85 तो कहे, का बात बा? वो सुना है कि मुनीम जी ने कल्ले के खाते में 500 रुपया चढ़ा दिया है। हो ही नहीं सकता, किसने कहा? वो तेत्रा मालिक। बच्चे की बात पर ध्यान देते हो लुक्का सिंह? हुजूर, मुनीम जी से जाकर कहो कल्ले की दलील लेकर तुरंत यहां चले आए और तेत्रा को भी ले आओ। अच्छा मालिक। ये सब कौन है? अपने गांव गांव वालों को भूल गए हो क्या? यही तो मेरा प्रॉब्लम है भाई साहब। हाँ, तुम मगनलाल हो? नहीं मालिक, हम तो आपका नौकर है। मेरा नौकर? मेरा तो कोई नौकर नहीं है। अच्छा अच्छा, भाई साहब का होगा। हम छेदिया हैं मालिक। छेदिया? हाँ हाँ, याद आया, छेदिया अपने गांव का है, छेदिया अपने गांव वाला।